What's up YouTube? This is Rohit Khitri and I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ घंटे को दबाएं. और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करें. सेम अकाउंट है रोहित खित्री फिटनेस के नाम से, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें. सबसे पहले गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. ऐसे वीडियो को लाइक करते रहे और अपना चैनल सपोर्ट होता रहेगा. तो गाइस आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होगी जिसमें आप लोगों को बताया होगा कि प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना चाहिए, बट किसी ने अभी तक शायद प्रॉपर डिटेल में ये वीडियो नहीं बताई है कि आपको जिम करते वक्त क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जिससे जो आपके गोल्स है, आपको मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, कुछ भी करना है वो आपके जल्दी अचीव हो जाए. तो जिम से पहले जिम के बाद सबको पता है, बहुत ही कॉमन वीडियो है. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिम करते वक्त प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए हमारा. तो गाइस बात करते हैं पहले उन लोगों की जो लोग फैट लॉस करते हैं या मसल गेन करते हैं बट वो कार्ब बेस्ड डाइट लेते हैं, मतलब उनकी डाइट में पूरे कार्ब्स भरे पड़े हैं. तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग द वर्कआउट इस BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, जिसमें लुसीन, आइसोलुसीन और वैलिन होता है. तो इन तीनों अमाइनो एसिड का फायदा क्या होता है गाइस, ये हमारी जो मसल को है वो ब्रेक डाउन नहीं होने देते. हमारे जो टैंक होते हैं, लीवर टैंक, मसल टैंक, इनको फुल करके रखते हैं. इनसे होता क्या है, जब आपका मसल टैंक फुल रहेगा तो पहले तो आपकी बॉडी सारी एनर्जी कंज्यूम करेगी, सारी एनर्जी यूज करेगी हमारे मसल टैंक से. और उसके बाद भी आपने अपनी बॉडी को अगर BCA पहुंचा दिया है, BCA की सप्लाई दे दी है, तो आपकी मसल ब्रेक डाउन नहीं होने देगी, जिससे आपकी मसल बिल्ट होगी, अच्छे से रिपेयर हो पाएगी और आपका मसल बिल्डिंग और फैट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से हो पाएगा. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि BCA वेस्ट ऑफ मनी है, पैसा. बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं BCA यूज करता हूं तो मेरे को सबसे बेस्ट सप्लीमेंट लगता है, क्योंकि उस वक्त हम हंगरी फील नहीं करते, हमारा गला सूखा नहीं रहता, मसल ब्रेक डाउन नहीं हो रही, एनर्जी फुल लग रही है. तो डिस्क्रिप्शन में सारे सप्लीमेंट के लिंक है, आप जाके देख सकते हो. और गाइस अगर आपका बजट कम है तो आप मेडिकल स्टोर पे जाके 10-12 रुपए का इलेक्ट्रोलाइट्स का पैकेट आता है वो आप खरीद सकते हो. अगर आपका बजट कम है तो आप BCAA की जगह आप इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर सकते हो. बट अगर आपका बजट है सप्लीमेंटेशन का, आप कर सकते हो, तो BCAA से बेटर चॉइस हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए ड्यूरिंग द वर्कआउट. और जो लोग ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोंडी पीते हैं या जो भी पीते हैं वो कचरा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज वो है क्या. लोग पीते हैं सोचते हैं कि उससे उनको एनर्जी मिलेगी. गाइज वो कार्ब ओनली, उसमें कार्ब्स है. अगर आप ग्लूकोंडी का न्यूट्रिशन फैक्ट देखोगे तो वो ओनली कार्ब्स है, वो सिंपल कार्ब. सिंपल कार्ब्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, आपने ग्लूकोंडी पिया, आपने सोचा वाह यार एनर्जी आएगी अब तो गाइस पागल थोड़ी हम BCA लेते हैं, मतलब पागल थोड़ी हम ग्लूकोज क्यों नहीं लेते हैं. तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिंपल कार्ब जाते ही आपके डायरेक्ट फैट में स्टोर हो जाएगा एज ए एडिपोज टिश्यू, क्योंकि उसका जो इंसुलिन स्पाइक है वो इतना ज्यादा हाई है, क्योंकि वो आपकी मसल और लीवर में तो जा ही नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट जाके आपके फैट में स्टोर होएगा. तो कभी भी ग्लूकोज का यूज मत करें, ग्लूकोंडी का यूज मत करें. अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग फैट लॉस डाइट फॉलो करते हैं जिसमें कार्ब्स नहीं होते, लाइक कीटोजेनिक डाइट वन ऑफ द बेस्ट डाइट है फैट लॉस के लिए. और ये आपके कोई लीवर पीवर में इफेक्ट नहीं डालती है, कोई भी कुछ भी बोल देता है. आप एक बार जाके साइंटिफिक स्टडी करो, क्योंकि हर 2 साल बाद ये चीज़ें बदलती है, सबकी रिसर्च बदलती है फूड के बारे में. तो 1% भी कीटोजेनिक डाइट आपको कोई हार्म नहीं करेगी. तो जो लोग कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं वो BCAA नहीं ले सकते. इसका रीजन ये है क्योंकि BCAA ग्लूकोनर्जेनिक इन नेचर होता है, उसमें वैलिन और आइसोलुसिन होता है, वो हमारा हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोडक्शन करता है ग्लूकोज से. तो मेक श्योर आप BCAA मत ले अगर आप कीटोजेनिक फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लोग कीटोजेनिक फॉलो करते हैं वो BCAA चला देते हैं, तो आपकी कीटोजेनिक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. आप क्या करें, आपको चाहिए सोडियम. क्यों? क्योंकि आपकी डाइट में नहीं है नमक. तो नमक लो अपना टाटा पाटा का और डालो अपनी एक बोतल पानी में 1 चम्मच नमक और सिप सिप करके पी जाओ, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो सके. क्योंकि जिम करते वक्त आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, पसीना निकलने से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो मेक श्योर अगर आप कीटो कर रहे हो तो आप डाइट में नमक वाला पानी जरूर ऐड करें. जो कीटो नहीं करता उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केला खा लेते हैं, वो बहुत सारी चीजें नमक वमक उनका यूज होता ही रहता है, और जो नमक यूज नहीं करता है गांडू है वो. हाँ तो भाई ये है वीडियो जिसमें बताया मैंने कि आप ड्यूरिंग द वर्कआउट बेस्ट क्या यूज कर सकते हो अपने लिए.
आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, लाल कलर का दबा दे घंटा पंटा सारा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रोहित कुदरी फिटनेस के नाम से अकाउंट है, मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। टिल देन, पीस गेन्स।